हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं रायपुर रांची धनबाद एक्सप्रेसवे के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा ताकि इस एक्सप्रेसवे के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी दे पाएँ। ठीक है, अभी वर्तमान स्थिति क्या है और क्या होने वाला है सारा कुछ जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइज, रायपुर रांची धनबाद एक्सप्रेसवे के बारे में चलिए बताते हैं आप लोगों को क्या कुछ लिखा हुआ है और क्या कुछ इसके बारे में है, तो आप लोग बने रहें। ठीक है, इस पर लिखा हुआ है रायपुर रांची धनबाद एक्सप्रेसवे NH रायपुर धनबाद आर्थिक गलियारे EC07 का हिस्सा, एक निर्माणाधीन 4 लेन वाला 707 किलोमीटर यानी 439 मील लंबा एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो मध्य से पूर्वी भारत तक छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों से होकर गुजरेगा। यह इस क्षेत्र में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच कोयला भंडार बेल्ट और रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, जसपुर, रांची, बोकारो और धनबाद के औद्योगिक शहरों से गुजरेगा। यह परियोजना ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड का मिश्रण होगी। रायपुर बिलासपुर एक्सप्रेसवे के बीच मौजूदा हिस्सा ब्राउनफील्ड होगा जो 6 लेन एक्सप्रेसवे में बदल जाएगा, जबकि बिलासपुर से धनबाद के बीच का बाकी हिस्सा पूरी तरह ग्रीनफील्ड होगा। यानी गाइस, ये एक्सप्रेसवे जो बनने वाला है दो हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड। ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड का अंतर नहीं पता होगा आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका भी वीडियो हम लेकर आएंगे। ठीक है, इससे आगे लिखा हुआ है यह वर्तमान यात्रा समय और दूरी को 16 घंटे से घटाकर केवल 9 घंटे और 750 किलोमीटर यानी 470 मील से 707 किलोमीटर यानी 439 मील कर देगा। ठीक है, ये जो है गाइस अभी का समय में जो है 750 किलोमीटर लंबा ये रोड है और जो है अभी जो है समय लग जाता है 16 घंटा, क्योंकि अभी जो है रोड में काफ़ी बदलाव आ चुका है। ठीक है, शुरू में बनते हैं तो अच्छा रहता है रोड और जो है ज़्यादा भीड़ वगैरह रहता है, तो इसी के चलते इसमें जो है समय ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, और जब ये रोड जो है बन जाएगी यानी इसका जो है लंबाई रहेगी बनकर 707 किलोमीटर जो नया बनने वाला है। ठीक है, और इसका जो है 439 मील होगा। ठीक है, तो इसमें जो है मात्र 9 घंटे में सफ़र कर सकेंगे 750 किलोमीटर का। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है गाइस 6 लेन रहेगा, 4 लेन रहेगा, तो इसमें जो है कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, इससे आगे लिखा हुआ है यह भारतमाला परियोजना का एक हिस्सा है और यह पूर्वी आर्थिक गलियारे भारत को जोड़ेगा जो बिहार में पारादीप बंदरगाह से बिहार नेपाल सीमा तक चलता है। ठीक है, यानी ये जो है कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा, इसमें जो है हर जगह जो है क्षेत्र से जोड़ने का प्रयास रहेगा। ठीक है, और इसमें आगे लिखा हुआ है 2019 एक्सप्रेसवे की योजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MORTH द्वारा भारत सरकार को दी गई थी। ठीक है, ये जो है एक्सप्रेसवे 2019 को ही जो है योजना का भारत सरकार को दिया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट में है 1 अप्रैल 2021 GR इंफ्रास्ट्रक्चर ने सेक्शन 2 बिलासपुर उर्गा 70 किलोमीटर की बोली जीती। यानी GR इंफ्रास्ट्रक्चर जो काम करने वाला है वो जो है बिलासपुर उर्गा तक जो है 70 किलोमीटर का बोली जीता था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर जो लोग हैं जो इस पर वर्क कराते हैं वो जीते थे। ठीक है, 2021 का है। अब 2022 में GR इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा सेक्शन 2 में निर्माण कार्य शुरू, यानी 2021 में वह इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्शन को जीता था बोली से। ठीक है, और 2022 से जो है सेक्शन 2 का जो है काम भी स्टार्ट हो गया था 2022। ठीक है, ये रोड जो है गाइस 2019 का ही जो है लागू किया गया था और 2021 से जो है बोली लगना शुरू हुआ था, 2022 से तो इसमें कार्य शुरू हो गए थे। ठीक है, अगला पॉइंट में है 21 फरवरी 2023 दिलीप बिल्डकॉन ने सेक्शन 3 उर्गा पत्थल गांव 86 किलोमीटर की बोली जीती। और जो है तीसरा पॉइंट में 21 फरवरी 2023 को जो है दिलीप बिल्डकॉन ने सेक्शन 3 का जो है
बोली जीती थी, जो कि 86 किलोमीटर का सड़क था। ठीक है, अगला पॉइंट है अक्टूबर 2023 सेक्शन 3 के लिए दिलीप बिल्डकॉन द्वारा मिट्टी का काम शुरू किया गया। और जो है यही दिलीप बिल्डकॉन जो जीता था कार्य करने वाला कॉन्ट्रैक्टर, ये जो है 2023 अक्टूबर में जो है मिट्टी का जांच वाला जो है कार्य शुरू किया गया था। जैसे कि हम लोग का यहाँ पर 6 लाइन का वर्क हो रहा था, आप लोगों को दिखाए थे पहले वीडियो में किस प्रकार से मिट्टी जांच होता है, उसी प्रकार से जो है वहाँ पर स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अभी का तो इसका वर्तमान स्थिति अभी नहीं आया है कोई भी जानकारी। ठीक है, जैसे ही आता है तो आप लोगों को हाल का जो है जानकारी मिलेगा, अभी क्या है और क्या नहीं। और इसका जो है अंतिम चरण था बनाने का पूरा रखा गया था अप्रैल 2026 तक इसका जो है कार्य पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी 2026 इसका आखिरी डेट रखा गया है बनने का। ठीक है, तो और भी कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है इस एक्सप्रेसवे का तो उसका भी अपडेट मिलेगा इस चैनल में। तो चलिए इस अपडेट को जो है हर जगह फैला दीजिए और सभी को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को इसके बारे में जान सके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड, जय झारखंड।